तो गाइस कैसे हो तुम सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। तो गाइस हम लोग निकल गए एक और नया ब्लॉग, एक और नई वीडियो के लिए। अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं एक और नया ब्लॉग, एक और नई वीडियो के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा एंजॉयमेंट करने के लिए मिलेगा और जो है काफ़ी कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि हम लोग आ गए हैं अपने सिटी से काफ़ी दूर, यानी 500 किलोमीटर दूर पे आ गए हैं। गाइस अभी हम लोग जो है जीएस रोड गुवाहाटी में घूम रहे हैं एंड हमारे साथ है अरुण। अरुण जा रहा है एग्जाम देने के लिए और हम जा रहे हैं एसएस का कंपनी देने के लिए। मेरा कुछ वगैरह एग्जाम वगैरह नहीं है एंड मैं इसके साथ जो है घूमने आया हूँ, बिकॉज यार कोई रीजन नहीं है। थोड़ा माइंड को फ्रेश करना चाहिए, हमेशा काम पढ़ाई, थोड़ा जो है बाहरी दुनिया में भी जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा, अगर हम लोग दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ का थोड़ा एरिया के हिसाब से हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी हम जाने वाले हैं बरबारी रोड VIP कॉलोनी और इधर ही है जू, गुवाहाटी जू है, तो उधर भी हम लोग अगर खुला होगा तो क्या करेंगे अरुण? जू में जाएंगे। तो यार इस वीडियो में आप लोगों को ना थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है तिनसुकिया से गुवाहाटी वाला ब्लॉग का पार्ट वाइज हम लोग जो है बनाया है। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, उसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ये वाला वीडियो जो है थोड़ा अलग होगा, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आप लोग खुद देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यार बता देने से इंजॉयमेंट आएगा नहीं, क्योंकि अगर फिल्म का कहानी अगर आपको मैं बोल दूँ तो फिल्म देख के क्या मजा आएगा। तो एक बात और, आप लोगों ने यार पिछले वाले वीडियो में यार प्यार बहुत ही ज़्यादा दिखाया, इस वाले वीडियो में भी यार दिखा देना, क्योंकि आपका वही प्यार और सपोर्ट हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं जू रोड, चलते हैं आपको भी लेके, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, लेट्स सी। तो ये हमें रास्ते में मिला केस कंप्यूटर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और ये हमारे तिनसुकिया में भी है यानी गुवाहाटी में भी है। फिलहाल तो अभी जो है ये बंद पड़ा हुआ है, तो शायद जो है 10-11 के करीब में शायद खुल सकता है, मुझे नहीं पता। कैसे बेच है? दीजिएगा दो चाय दीजिए, और कुछ खाने वाला? तो गाइस ये रहा मॉर्निंग का गरम गरम चाय, अगर आप भी पीना चाहते हो तो आ जाओ फटाफट से साथ में मिलके पीते हैं। तो अभी मॉर्निंग का जो है ताजा ताजा चाय। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो। हमने दिया एक 50 का नोट और हमें मिला 30 रुपीज़, यानी टोटल कॉस्ट 20 रुपीज़, 5 रुपये का चाय और 5 रुपये का बिस्कुट। तो यार ठीक ही है, नॉर्मल चाय था, अच्छा ही था चाय। एंड क्या बोलता है, अभी हम लोग जाएंगे कहाँ? बरबारी। अरुण चाय के साथ उसके बाद कहाँ निकलेंगे? जू। पहले बरबारी जाना है, जू जाना है? पहले बरबारी से आते हैं, तब तक जू खुल जाएगा। क्या हालत खराब हो गया चलते चलते। कितना किलोमीटर चला भाई? 5 किलोमीटर। सिर्फ 5 किलोमीटर में हालत हम लोग का ये खराब हुआ है। अभी जो है अभी 5 किलोमीटर 700 मीटर बाकी, अभी 5.7 किलोमीटर बाकी है। ये मत सोचना कि यार पैसा कब जैसे, नहीं यार पैसा है, किंतु हम लोग को ना टाइम बिताना है। अगर हम लोग वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अरुण क्या बोलता है भाई? कोई फायदा ही नहीं, अभी जाकर वहाँ पर बैठ के गपशप करना पड़ेगा, इससे अच्छा कोई थोड़ा इंजॉय करते हुए जाए, वर्क हो जाएगा सुबह सुबह, रनिंग तो नहीं किया होगा। और ऐसे रनर बॉय है, लेकिन रनर बॉय हो के इतना जल्दी थक गया, मुझे यार विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे रात को डिनर नहीं हुआ, रात को नींद नहीं
हुआ तो बोला ही था रात में नींद की। हाँ ये तो बात है, रात को यार एक बंदा ना बंदी था, अरे यार क्या खराटा मार रहा था, वैसा खराटा मैंने आज तक नहीं देखा। अगर उसके पास से 10 बंदा भी रहेगा ना यार, जल्दी उठ जाएगा। तो हम लोग अभी बस स्टैंड वाला जो जगह होता है ना, बस स्टॉप का जगह, वहाँ पे हम लोग अभी बैठा हुआ है। लेकिन हमको अभी ना यहाँ पर बैठा बैठा देखने की वहाँ पर जाने का मन कर रहा है, क्या बोलता है उसको, एक जो सीढ़ी है वहाँ पर जाने का मन कर रहा है। सोच रहा है जाए या ना जाए, ना इधर जाए, रुको यार पहले डिसाइड कर लेते। तो ये क्या बोल रहा है, चलो चलता है। तो हम भी बोला चलो चलो, देखता है क्या होता है, चलने में क्या है, कौन सा पैसा लग रहा है अपना, घूमना ही है, टाइम ही बिताना है। चलो लो पकड़ो, तेरा कंपनी दे दो। कंपनी दे देते हैं अभी, एंजॉय का टाइम चल रहा है। आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ आवारा हूँ। अगर आप लोग जो सीढ़ी पर उठ के इधर का नज़ारा देखोगे तो आप लोगों को एक तरह से दिखेगा, वे खाई से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये तो अभी एक सीढ़ी पे आप लोग जो है चढ़ चुके हैं, वापस से हम लोगों को मतलब चलना नहीं पड़ रहा है। ये जो है लिफ्ट सिस्टम है, यानी जो है और चलते रहता है कुछ से कुछ, तो यार चल के बिना मतलब चलना ही नहीं पड़ रहा आराम से। तो क्या ही बताऊँ दोस्तों, मज़ा आ गया बहुत ही मज़ा आ गया इस सीढ़ी पर चढ़ के। मैंने 2 बार जो है चल दिया इस पर, यानी ऊपर से इधर से आया फिर एक वापस से जा रहा है। हम लोगों ने जो है वहां से मतलब 2 बार किया, 2 बार आया। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो हम लोग पागल हो गया मतलब खुद में ही हम लोग को देखे जा रहा है, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा हम लोगों के बारे में। तो यार देखो हम इंजॉयमेंट बहुत मजा आ गया, थोड़ा देर ही इंजॉयमेंट किया लेकिन मजा आ गया। अभी अपना सफर पे निकल चुके हैं, 5 किलोमीटर और बाकी है, 5 किलोमीटर और बाकी है, फिर चलते हैं यार, देखते हैं क्या होता है। इंजॉय हर एक सेकेंड को इंजॉय करो यार, लाइफ है, यही तो टाइम है, बाकी सब मोह माया है। भाई ने जो है मास्क नहीं ले रखा था तो मैंने बोला कि ले लो, एग्जामिनेशन सेंटर जाना है तो उधर जो है मास्क अलाउड ही होगा। तो इस भाई ने जो है मास्क खरीद लिया है, तो इसका जो कॉस्ट पड़ा है 30 रुपीज़। अब भाई जो है एकदम मस्त लग रहा है, सच में मस्त लग रहा है। रुको, असम का राजधानी क्या है? और अभी हम लोग कहाँ पे? दिसपुर। वाह, तो अभी हम लोग जो है दिसपुर में है, यानी असम का जो कैपिटल है, अभी हम लोग वहाँ पे है। उसका जो SBI का जो ब्रांच होता है दिसपुर ब्रांच का, और ये जो ब्रांच है वो आप लोगों को दिख रहा है, ये है दिसपुर ब्रांच। तो अभी हम लोग दिसपुर ब्रांच भी पहुँच चुके हैं, आपस में इसका आसपास में जो है पार्क भी है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। सबसे पहले तो सेंटर जाना है। जैसे ही गाइस मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे इस टाइप का जो है कुछ मार्केट देखने को मिलता है। एंड आप लोगों को दिख रहा होगा आगे ठेला में बनाना लगा हुआ है, बनाना बनाना बनाना। तो जैसे ही गाइस आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है ऑल असम टेनिस एसोसिएशन, और इसका आगे है हमारा सेंटर। एंड यहाँ से जो है लमसम 400 या 500 मीटर का डिस्टेंस में हमारा सेंटर भी है, और जो है दूरदर्शन कॉलोनी भी है। एंड दूरदर्शन कॉलोनी के आसपास ही जो है हमारा सेंटर भी है, और ये रहा दूरदर्शन कॉलोनी जहाँ हमें एड्रेस में दिया हुआ था। एंड इसके ऑपोजिट जो है बिना पानी एडुकेशन सेंटर है, और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार, वो रहा सेंटर जो आप लोग घर दिख रहा है वो रहा सेंटर। एंड रास्ता भी पूरा जो है सुनसान है, और फाइनली गाइस हम लोग जो है बिना पानी एडुकेशन सेंटर पे जो है पहुंच चुके हैं। तो फाइनली गाइस जो है हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां हमें आना था, और अभी जो है हम यहां से जाएंगे जू। और ये भाई जो है
अपना एग्जाम देकर हमसे वापस आके जू पे मिलेगा। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ, एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देना, एकदम बेस्ट से देना, कोई टेंशन नहीं, आराम से देना यार, ऐसे भी पोस्ट कम है लेकिन अपना तरफ से यार पूरा फोकस करना, ठीक है? ठीक है भाई। तो अभी हम चलते हैं जू की तरफ, अभी किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है यार देख लेते हैं एक बार। एंड आप लोगों को जो है सामने हाथी दिख रहा होगा, एंड ऊपर में जो है उसका जो है ओनर साइड बैठा हुआ है। अब ये हाथी कहाँ लेके जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यार मैं जो है काफ़ी दिनों के बाद जो है देख रहा हूँ। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं अपने मंजिल की तरफ, और यहां से जो है हम जू जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं कि अरुण जो है वापस से चला गया है एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देकर वापस आएगा जू के पास। एंड अभी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं जू, एंड जू के पास में जो है आप लोगों को छोटा मोटा मार्केट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, बिकॉज वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। एंड जू वाला पार्ट जो है आप लोगों को थर्ड पार्ट में मिलेगा, बिकॉज ये वाला वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। आई होप लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।